हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो में हूँ दिनेश और यह कैटमैन दिनेश चंदन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कैट्स के बारे में। इतने सारे कैट्स मेरे पास हैं और मैं इस कैट्स को किस तरीके से ट्रेन करता हूँ, किस तरीके से इस कैट को हैंडल करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, इतने सारे कैट्स मैं एक ही फ्लैट में किस तरीके से रखता हूँ। हालाँकि अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास एक कैट्स होगी या फिर दो कैट्स होगी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, बट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जैसे जितनी कैट मेरे पास है उतनी कैट उनके पास होगी। सो इनको इतने सारे कैट्स को एक फ्लैट में रखना इतना आसान नहीं है जितना आप वीडियो में देख रहे हो, क्योंकि मेल कैट्स काफ़ी लड़ते झगड़ते हैं, फीमेल कैट्स भी लड़ते झगड़ते हैं किटन, और इनका सीनैरिटी जेनेरिटी भी होता है। सो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है इनकी, सबके पास ध्यान देना पड़ता है, इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है। सो और इनका वो सारी चीज़ें होती है, खाना या फिर पानी, जिसमें इनका कंटेनर होता है या बाउल होती है, उसको अलग से रखना पड़ता है। और अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको भी अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है कैट्स को पालना। ओके, फाइनेंशियल भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है इतने सारे कैट्स अगर आप पाल रहे हो तो। और जो ये मेरा फ्लैट है, ये 3 BHK फ्लैट है, तो इनके लिए काफ़ी बड़ा फ्लैट है। कहीं भी रहते घूमते हैं फिरते हैं, नीचे भी पूरा बेसमेंट है, वहाँ भी घूमते हैं, आजू बाजू का एरिया भी थोड़ा खाली है, तो इनके लिए काफ़ी बेस्ट जगह है ये, तो कैट्स काफ़ी खुश रहते हैं, जहाँ जाना वहाँ जाते हैं, घर आना है घर पे सोते हैं। बट कितना भी बड़ा फ्लैट रहने दो, कैट्स हमेशा लड़ते झगड़ते क्योंकि इनका एक एरिया फिक्स होता है और उसी एरिया को वो अपना एरिया मान लेते हैं। अगर कोई दूसरा कैट्स वहाँ पे आता है तो फिर उनके झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो वो ना हो इसलिए कैट्स पहले से अपना जो प्लेस होता है, स्पॉट होता है, वो फिक्स कर लेते हैं। मारेंगे रे ओ ऑरेंजी। सो जितने भी आप कैट्स देख रहे हो, कैट्स एक्चुअली ग्रुप में रहने वाली होती नहीं है, कैट्स हमेशा अपना अलग अलग से रहती है। तो जितने भी मेरे कैट्स हैं सबका अपना अपना स्पेस है, अपना अपना जगह है, वहाँ पे जाकर के बैठती है, वहाँ पे जाकर के सोती है, वहाँ पे जाकर के जो भी उनको ग्रूमिंग करना होता है वही होता है। सो ऐसा अलग अलग स्पेस में रहती है। बट कुछ कुछ कैट जैसे कि अभी कैट है या फिर किटन है, तो दोनों आपस में रहते कुछ टाइम तक, उसके बाद में जैसा भी किटन बड़ा हो जाता है फिर वो अपना अपना अलग से रहना स्टार्ट कर लेता है। तो वैसा ही सेम चीज़ें इनमें देखने मिलती है। आप देख रहे हैं ये जो कोल है ब्लैक कैट, ब्लैक एंड वाइट, और ये जो केसरी ऑरेंज कलर की कैट, ये मेल फीमेल कैट है, तो इनका आपस में आप देख रहे हो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये काफ़ी कैट्स में आपको देखने को मिलेगा आपके पास भी अगर कैट्स है तो। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आता है कभी कभार। सो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जितने भी कैट है सबके पास ध्यान देना पड़ता है एक जैसा ही। ओके, किसके पास कम ध्यान, किसके पास ज़्यादा ध्यान, ऐसा देखे नहीं चलता है, सबके पास सेम आपको अटेंशन देना होता है, तब जा करके आप सारे के सारे कैट्स को ठीक से देख पाओगे। चलो 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 चलो, मेरे पास है रे बसारा विस्कस, चिकन भी है, सो जाओ दृश। हाँ शाबाश, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट, ऑरेंज एंड ब्लैक एंड व्हाइट, एक नंबर मेरे जान बच्चा है तुम दोनों। दूध पीगी, दूध का टाइम है तेरे अभी। ओह माय गॉड, ओ नखरे देखो इसके, नखरे नखरे देख लो। इनको कैट फूड देने के बाद थोड़ा सा स्वाइप से पूरा क्लीन कर लेना पड़ता है क्योंकि इनके थोड़े हेयर भी जाते हैं, तो जब हम जल्द से जल्द इसको तभी के तभी साफ़ कर लेंगे तो ज़्यादा हेयर या हवा नहीं जाएंगे और क्लीन भी रहेगा। अगर उस वजह से मैं तभी के तभी हेयर जो ना रहे इस वजह से मैं इनको क्लीन कर लेता हूँ। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा रहता है कैट के हेल्थ के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी। इधर कौन बैठा है मेरे पीछे सोफा में,
कौन बैठा है? कैप्टन बैठा है। कैप्टन कुछ तो सोच रहा है। ये बगीरा, ये टेको, कैप्टन मिल्टर मैन है तू। तेरा कलर खाकी है तू। डरता क्यों बेटे तू? इतना डरता क्यों? बोल बोल, शेकन कर लो। बगीरा बैठा है या फिर केको बैठा है या फिर कैप्टन बैठा है? ये कैप्टन है। कैप्टन के बारे में आपको स्टोरी सुनाऊंगा मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप सुनोगे तो आप भी काफ़ी शौक महसूस करोगे वीडियो देखने के बाद। इसके बारे में स्टोरी है, इसके बारे में और उसके माँ के बारे में, जो कि खूबसूरती है इसकी माँ। अभी तो हट्टा कट्टा मेरा कैप्टन और जितने भी बाकी के जो कैट्स है, सिम्बा या फिर जो चिंगी है इसकी बहन, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, नॉर्मल नहीं है, बट देखो इसके वीडियोस आप तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मल है ही है। फिर भी डरता है काफ़ी। किसी कोई अगर कोई आदमी का अगर घर पे आ जाए नया तो डर के यहाँ भागने लगता है। उससे भी कभी कभी डरता है। देखो कि अभी तक मेरे पास बैठा हुआ है नॉर्मली। ओके, ऐसा बैठता नहीं, इतने पास भी नहीं बैठता है। और देखो इसका फेस हमेशा टेंशन फुल रहता है। सो ये है कैप्टन और इसके बारे में आपको मैं। सो ये है छोटा सा किटन और फिलहाल ये ट्रेनिंग पीरियड में है। इसको उसके माँ के पास जाना है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से उसकी माँ के पास जाना चाह रहा है। ये कोशिश कर रहा है, ट्राइंग। इसने दो बार ट्राई किया है, फिर और एक बार ट्राई करेगा। इस कहने का मतलब ये है कि ये खुद ट्रेन होते हैं, क्योंकि कैट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बस जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उनकी, जैसे कि लैट्रिन की या फिर टॉयलेट की, वो ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है। बाकी जो भी रहता है उनका नेचुरली सीखते रहते हैं अपने माँ से या जो भी रहता है सीनियर कैट उनसे। ओके, सो वो सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मैं। ये है रैम्बो। ये देखो जो ये कर रहा है, ये खाने के लिए मुझे मांग रहा है। ये तो इनका साइन होता है। ये मुझे मुंह से भी मांग रहा है, मुझे हाथ से भी इशारा कर रहा है, मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। ये एक्चुअली रिक्वेस्ट करने का तरीका है ये, कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। और ये बगीरा या फिर कई को देख रहे हो आप मेरे पास सो रहे, ये अफेक्शन है। ये बहुत उनको अपने पास जब बैठते हैं उनको बहुत सेफ फील होता है, इसलिए अपने पास बैठते हैं। कि मेरे लैप के ऊपर सो गया, इतने गहरी नींद में सो गया है, इसको पता है कि मैं बहुत सेफ हूँ इनके पास, इसलिए मेरे पास सोया है। और ये लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर रैम्बो और कैप्टन, हालांकि कैप्टन कभी मारता नहीं किसी को, बहुत तो डिसेंट कैट है। और रैम्बो हमेशा किसी न किसी से झगड़े करते रहता है। और यहाँ पर देख रहे दो कैट्स उनके बीच में झगड़े में थोड़ा शॉक फील करते हुए देख रही है। और ये जो किटन आपको मैंने बताया कि सीनियर कैट को देख के कुछ चीज़ें सीखती है, वैसा ही ये देख रहा है। और उनके जो भी रहता है एटीट्यूड वगैरह, वो मतलब जैसा होता है ना बच्चों का, सेम वैसा ही होता है कैट किटन का। इसको देख के ही सीखते रहते हैं। और ये मैंने जस्ट ट्राई बेसिस के लिए लगाया था, बट मुझे सब ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं लगाते नहीं मेरे किसी कैट को। जस्ट मैंने शो के लिए लिया था, बट मेरे किसी भी कैट को ये पसंद नहीं है, तो मैंने ये निकाल लिया था। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं बाहर जाती है कैट्स तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बट मेरी कैट तो आसपास का जो एरिया ज़्यादा बाहर है नहीं, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह कुछ होता नहीं है, जस्ट आसपास ही रहती है, भटकती है। जहाँ भी उनको भटकना होता है, मतलब घूमना होता है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाती नहीं है। और जब खाने का टाइम होता है तब घर में आ जाती है। यही बगीरा, बगीरा काफ़ी अच्छा कैट है मेरा, काफ़ी सुनता है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार कैट्स ज़्यादा बदमाशी करते हैं, कोई कोई
अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो और आसपास आपके कैट्स है और वो आपसे मांग रहे हैं इतने प्यार से, सो वो चीज़ आपको देनी पड़ती है। वैसा ही रैम्बो उससे मांग रहा था, तो रैम्बो को मैंने ये रबड़ी दे दी और रैम्बो बड़े प्यार से खा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रैम्बो को दिया मैंने, जितने भी कैट्स है सबको भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था, सबको डिवाइड करके दिया था बाद में जो अलग से था। सो मज़ा आता है इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और इनके सोने की जगह बहुत ही डिफरेंट होनी चाहिए, एक जगह कभी नहीं सोते। हाँ कभी कभार अगर माँ और दो तीन उनके उसके बच्चे हैं, किटन है छोटे छोटे, तो वो सोती है लेकर के, या फीडिंग करना होता है मिल्क फीडिंग। तो बाकी जैसे ही कैट बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने जगह फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इनकी खुद की एक जगह होती है, वो जगह अगर कोई दूसरा आता है तो फाइट होती है, तो इनका अधिकार होता है उसी जगह पे। इसका राइट्स होते हैं ना हमारे कॉपी राइट्स से, वैसे ही उनके जगह के राइट्स होते हैं, वो जगह पे कोई आता है तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो यह है मेरी चिंगी, ये इसकी जगह है, इसकी दो जगह है, एक तो फ्रिज के ऊपर बैठती है या फिर यहाँ पर। ये रैम्बो, रैम्बो तो कहीं बैठता है, इसका कुछ फिक्स नहीं है, वो जहाँ तक हो ये सोफे पे सोता है। और इसका भी सेम वही चीज़ है, कभी यहाँ सोता है, कभी बेड के ऊपर सोता है। वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिली रहेगी, मैं इतने सारे कैट्स किस तरीके से हैंडल करता हूँ और इतने एक फ्लैट में इतने सारे कैट किस तरीके से रखता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। सो नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ चीज़ें मुझे बतानी है आपको, तो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, जितने भी कैट लवर है या फिर एनिमल लवर है। चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके सो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, सेम वीडियो रहेगा सेम, बट ये पार्ट वन था और पार्ट टू में आपके सामने लाने वाला हूँ बहुत जल्द। ओके सो देखते रहिए कैटमैन दिनेश, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।